हाय फ्रेंड्स, ये एक वीडियो बनाया है मैंने ट्रबल शूटिंग का। हमारा जनरेटर में 440 लो इनिशियल अलार्म आ रहा था। जब भी हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद पैरेलल कर रहे हैं तो 440 लो इनिशियल अलार्म आ रहा था। ये हमारा कैटरपिलर का इंजन है, तो हमने चेक किया सब कुछ बट हमें कुछ फाइंड आउट नहीं हुआ। तो जब भी ये जनरेटर लो इनिशियल अलार्म शो करता था तो ये हमारा 440 लो इनिशियल बहुत फास्ट फ्लिकरिंग करता था, अप डाउन कंटिन्यूस फ्लिकरिंग करता रहेगा। और हमने उसके बाद चेक करके देखा तो वाइंडिंग चेक किया, वायरिंग चेक किया, लूज़ कनेक्शन चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। तो हमने उसके बाद रोटर और स्टेटर उन दोनों का गैप चेक किया। जब गैप चेक किया तो हमें एक साइड में गैप ज़्यादा मिला और एक साइड में गैप कम मिला। तो हमने फिर इसके बोल्ट चेक किए और आप बोल्ट देख सकते हो यहाँ पे, जो बोल्ट है अल्टरनेटर के साइड के, अल्टरनेटर और इंजन के, हमें जब चेक किया तो हमें ये लूज़ मिले। जब लूज़ मिले तो हमने इसको टाइट किया। टाइट करने के बाद गैप चेक किया तो गैप उसमें इक्वल गैप शो करने लग गया। इक्वल गैप शो हुआ तो उसके बाद हमने इंजन स्टार्ट किया। इंजन स्टार्ट करने के बाद जब चेक किया, पैरेलल किया, तो उसके बाद लो इनिशियल अलार्म आना बंद हो गया। तो नेक्स्ट टाइम कभी आपको ये प्रॉब्लम आए, फेस आए, तो प्लीज़ आप एक बार रोटर और स्टेटर का गैप जरूर चेक करें, क्योंकि उस टाइम पे फास्ट टर्निंग टाइम पे रोटर और स्टेटर आपस में टच हो रहा था। सो टच होने की वजह से वो फास्ट हमारा लो इनिशियल अलार्म आ रहा था, फास्ट फ्लिकरिंग हो रहा था। तो होप आपको ये सब वीडियो अच्छा लगा होगा। Please subscribe my channel if you like this video. Thank you.